Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ओल्डोप मेथड ऑफ मिलिकन. क्लियर? अब तक अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E by m की वैल्यू, इसकी वैल्यू E by m की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने कैलकुलेट कर लिया अलग अलग मेथड से. अब अपन को आज की क्लास में कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगी. अब देखिए, वी नो डैट E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.75 8820 इंटू 10^11 कूलाम केजी इनवर्स. क्लियर? नेक्स्ट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6022 इंटू 10^-19 कूलाम. क्लियर? अब इन दोनों वैल्यूज से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? देखिए बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करेंगे अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर टोटली अपने पास में जो डाटा है वो किसके बेस्ट पे होंगे, कैलकुलेशन के बेस्ट पे होंगे, इसलिए अपना टॉपिक है कैलकुलेशन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. E by m की वैल्यू फिर आप रिपीट कर लो, 1.75 8820 into 10^11 कूलाम केजी इनवर्स, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6022 into 10^-19 कूलाम. देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा E अपॉन E by m. क्या होगा? E अपॉन E by m. अब यहां देखो अपने पास में E से कैंसिल हो जाएगा, क्या ऑब्टेन होगा अपने पास में m. तो वैल्यू आप पुट अप करो, E की वैल्यू कितनी है, 1.6022 इंटू 10^-19 कूलाम. E by m की वैल्यू कितनी है, 1.75 8820 इंटू 10^11 कूलाम केजी इनवर्स. सारी वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल के आएगी, 9.1094 इंटू 10^-31 केजी. कूलाम से कूलाम कैंसिल, केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो केजी. अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने पास में 9.1094 इंटू 10^-31 केजी. इसको अपन 9.1 भी यूज कर सकते हैं, 9.1 इंटू 10^-31 केजी भी आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो. तो इस कैलकुलेशन से अपन को ऑब्टेन हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1094 इंटू 10^-31 केजी. इसको अपन 9.1 इंटू 10^-31 केजी जब भी अपन को यूज में आएगा न्यूमेरिकल में, तो उसमें अपन इसको यूज कर सकते हैं. आप अपने पास में E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर चुके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर चुके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर चुके. अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करना है, डिफाइन करना. इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको, डिफाइन करना है. उसके लिए अपन कंपेयर करेंगे इससे हाइड्रोजन एटम्स से, कंपेयर करेंगे अपन हाइड्रोजन एटम्स. अब देखिएगा अपने पास में यहाँ कैलकुलेट क्या किया अपन ने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने कैलकुलेट किया जो बहुत ही वेरी वेरी लेस है, किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. क्लियर?
बट इसको अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। इसको अपन क्या मान सकते हैं? यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट। क्या मान सकते हैं इसको? यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्लियर। बात हो रही थी अपने पास में किसकी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो बहुत कम है। किसका? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का। बट इसका भी कैलकुलेशन अपने पास में है, कितना पार्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना पार्ट है? 1/137 पार्ट। कितना पार्ट है आपका? सपोज आपका 1 मास है किसका? हाइड्रोजन का, बिल्कुल होता है। उसका कितना पार्ट है? 1837 पार्ट, राइट। तो अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो कंपैरिजन है वो कितना है? 1/1837 और जो पार्ट बनाता है वो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये क्या है आपका? यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है? यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब यहां से अपन इसकी डेफिनेशन दें, क्या करें अपन इसकी डेफिनेशन दें, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट। क्या है आपका? ये सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट, जिसका यूनिट नेगेटिवली चार्ज। क्या है? यूनिट नेगेटिवली चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज कितना है जिसका? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻³¹ केजी। कितना है? 9.1 × 10⁻³¹ केजी, जो इसके इक्वल है हाइड्रोजन के मास के 1837 पार्ट के इक्वल है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका यूनिट नेगेटिवली चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 9.1 × 10⁻³¹ केजी, जो हाइड्रोजन के मास से कितना है? 1/1837 पार्ट बनाता है। इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे लेक्चर में अपन ने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लिए, क्या क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में देखे था। फर्स्ट अपन ने बात की किसकी? पी बाय एफ। सेकेंड बात की अपन ने किसकी? चार्ज। थर्ड बात की अपन किसकी? मास। पी बाय एफ की वैल्यू कितनी है? 1.7588×10⁻¹ कूलम केजी इनवर्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मास कितना आया? 9.1 × 10⁻¹⁹ केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मास का कितना पार्ट बनाता है? 1/1837 पार्ट बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी।